हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मार्केट बंद होने से पहले आपको बताया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो दोस्तों, 8:45 हो रहा है अभी, मतलब कि मार्केट ओपन होने में अभी करेक्ट आपके पास हाफ एन आवर टाइम है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा वो स्टॉक है दोस्तों, रिडेंक्शन करके ये स्टॉक है। यहाँ देखिए 118 का इसका जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ये स्टॉक पे आप जो है खरीदारी कर सकते हैं दोस्तों। आपको बार बार बहुत पहले से भी बताया जा रहा है, तो ये स्टॉक पे जो है आप जम के खरीदारी कीजिएगा, छोड़ना नहीं है, मौका नहीं छोड़ना है दोस्तों। ठीक है, और टेक्निकली अगर मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो है एक बहुत अच्छा और हाई रैली आया था। यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छा आया था, 140 के आसपास गया था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आया है, मतलब कि रिकवरी ले चुका है ये स्टॉक। ठीक है, रिकवरी ले चुका है, तो ऐसे स्टॉक को अपने रेडार पे रखना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में आप अच्छा से अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप जब भी काम करते हो तो अपना एक स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर सपोज मान लीजिए बाई चांस कभी हो जाए तो, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस के पीछे हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, ताकि अगर लॉस हो तो हमें मिनिमाइज करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ तो है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर इस चार्ट को अगर आप बढ़िया से, अगर अच्छे से अगर आप स्टडी करेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा, ये जब भी जाता है तो बहुत ज़्यादा हाई जाता है, लेकिन जाता है तो फिर लो जाता है, फिर जाता है तो बहुत ज़्यादा हाई जाता है। मतलब यहाँ पर देख लीजिए 100 का स्टॉक अगर 128, तो 28% आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बैकअप भी मारता है, लेकिन फाइनली ये जो कहाँ है दोस्तों, अप ट्रेंड में जाता है। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, स्टॉक अभी आपको जो है निचले स्तर पर मिल रहा है, अगर आप चाहते हो कि 2-4 महीना, 5 महीना आप जो है होल्ड कर सकते हो, 5 मंथ, 6 मंथ के अराउंड, ठीक है, 2 क्वार्टर तक अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक गिरा हुआ है, और अच्छा जो इसका जो है रिजल्ट है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन आने वाला है, तो इसमें जो है आप जम के खरीदारी कर सकते हो। और ये रहा देखिए, मैं 5 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ, ये जो हाईएस्ट गया था 210 गया था दोस्तों, 210 से फिर रिटर्न आया था कितना, 60 रुपीज़ तक, और 60 रुपीज़ से फिर देखिए बाउंस बैक मार रहा, वापस जा रहा दोस्तों, 140 के लेवल जो है टच किया है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन देखिए अपर सर्किट में ही जा रहा। तो ऐसे स्टॉक को जो है अपने ध्यान में रखना चाहिए। और देख लीजिए स्टॉक में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है दोस्तों, यहाँ पर देख लो बेरिश टू है, लेकिन इतना मैं बोलूँगा। ठीक है, वीडियो को मैं शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, ये इसलिए क्योंकि मार्केट ओपन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो पाए, अच्छे से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो हैं 2-4 दिन के लिए खरीदते हैं। देखो अगर आज ही 2 दिन में, 1 या 2 दिन में ये स्टॉक चल जाता है, आपको कम से कम 5%, 4%, 5% मिल जाता है आपको, तो वहाँ से लेके निकल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 5% भी बहुत अच्छा जो है ग्रोथ होता है। ठीक है, 5% उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो अगर आपको रखना है तो आप कम से कम तो 4 महीने या 6 महीने आपको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में अगर आप बोलोगे कि नहीं ये हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा डाउन जा रहा है, तो ये सब स्केव्स नहीं चलता है, आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।